दोस्तों आज की कहानी है सासू माँ काश मैं भी नौकरी करती तो मेरी भी कोई अहमियत होती। दोस्तों कहानी शुरू करने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर लीजिए ताकि आपके पास पहुंच सके हर नया वीडियो। कई दिनों से मेरे मन में एक अजीब सी उथल पुथल बसी हुई थी। यूं तो जिंदगी में सब कुछ अच्छा चल रहा था। एक मल्टीनेशनल कंपनी में काम करने वाला आदित्य जैसा पति जो मुझ पर जान सिड़कता है, आकृति और विकरा जैसे प्यारे प्यारे बच्चे बेटी की तरह प्यार करने वाले, जिंदगी में किसी को इससे ज़्यादा सही भी क्या। इन सब के लिए इर्द गिर्द ही थी मेरी प्यारी सी दुनिया। फिर हुआ यूँ कि एक दिन अचानक शॉपिंग मॉल में वैशाली से मेरी मुलाकात हो गई। कॉलेज टाइम में साधारण सी दिखने वाली वैशाली की जगह स्टाइल्स कपड़े पहने एक अलग ही हेयर कट वाली मॉडर्न सी दिखने वाली उस महिला को शायद मैं पहचान भी नहीं पाती। अगर वह खुद आगे आकर अपना परिचय ना देती तो अनुक्षा है ना, और तू वैशाली दिमाग पर चोर डालकर मैं बोली थी हाँ यार नहीं नहीं शिफ्ट हुई हूँ, आज छुट्टी थी तो सोचा कुछ शॉपिंग कर लेती हूँ, रोज तो टाइम मिलता नहीं है। और तू बता किस कंपनी में जॉब कर रही है आजकल। उसकी नज़रें मुझ पर टिक गई थी। मैं तो घर पर ही रहती हूँ, मैं अटक अटक कर बोली थी। क्या कहा, तू हाउसवाइफ है, हमारे कॉलेज की गोल्ड मेडलिस्ट, घर में बैठी है, पढ़ाई क्या इसलिए की थी। मैं तो सोच रही थी आज ना जाने कहाँ पहुँच सुखी होगी तू, मैं तो भाई घर में नहीं बैठ सकती। अरे यार इतने साल पढ़ाई क्या सुना सौका करने के लिए की है, वो मैं बच्चे मम्मी पापा साथ रहते हैं ना, मैं जैसे उसे नहीं खुद उसे समझाने की कोशिश कर रही थी। साफ साफ क्यों नहीं कहती तेरे घर वालों को पढ़ी लिखी हाई प्रोफाइल काम वाली मुफ्त में मिली हुई है। ठहाका लगाकर हंसने के बाद फिर रुक कर बोली, वैसे अगर तू कहे तो मैं अपनी कंपनी में बात करके देखूं, तुझे तो अभी भी बढ़िया नौकरी मिल सकती है। दोनों अपना फ़ोन नंबर एक दूसरे को देकर घर आ गई। बस उस दिन के बाद से मुझे अपनी ज़िंदगी बेमानी लगने लगी। आदित्य का प्यार, मम्मी जी पापा जी का अधिकार जताना, बच्चे का फरमाइश करना, सब कुछ एक नाटक लगने लगा था। लगता जैसे सब अपने अपने इस स्वार्थ के लिए मेरी चापलूसी कर रहे हो। अनुष्का बेटा जरा नमकदानी तो दे देना, लगता है आज तू सब्जी में नमक डालना भूल गई। देती हूँ मम्मी जी की आवाज़ से जैसे मेरी तंद्रा भंग हुई। छोटी छोटी बातों में मैं सीढ़ी सीढ़ी होने लगी। उस दिन सुबह सोकर उठी तो बच्चे यूनिफॉर्म पहन कर तैयार थे। मम्मा आप शायद भूल गई आज हमारी पीटीएम है। कोई बात नहीं, मैं अभी फटाफट तैयार हो जाती हूँ, कहकर मैं जल्दी से वॉशरूम की तरफ लपकी कि आदित्य बोले, तुम्हारी शायद तबीयत ठीक नहीं है अनुष्का, तुम आराम कर लो, बच्चों के स्कूल आज मैं चला जाता हूँ। तभी मैंने मम्मी जी को बाहर जाते हुए आदित्य से कहते सुना, अनुष्का आजकल कुछ परेशान लग रही है बेटा। मैं तो कहती हूँ उसे कुछ दिनों के लिए कहीं बाहर ले जाओ, और कहीं नहीं तो उसे मायके ही घुमा लाओ, मन बदल जाएगा। बेसारी का सारे दिन घर गृहस्थी के चक्कर में फंसी रहती है। हाँ बस अब यही तो रह गई थी है मेरी जिंदगी। कभी कभार संडे को बाहर डिनर पर चले जाओ घूमने के नाम पर मायके का एक चक्कर लगाओ। काश मैं भी नौकरी कर रही होती
तो मेरी भी कोई अहमियत होती, पर अब बहुत हुआ मैं घर की मुर्गी बनकर नहीं रहूंगी। उस दिन शाम को आदित्य के ऑफिस से आने के बाद दोनों बच्चों के रिपोर्ट कार्ड और स्कूल को लेकर ही बातें हो रही थी। दोनों बता रहे थे बड़े होकर क्या बनना है। हंसी मजाक सज रहा था। आकृति बताने लगी, मेरे स्कूल में एक लड़की है, उसकी मम्मा टीचर है, वह अपने को कुछ ज़्यादा ही समझती हैं। मम्मा का साहब भी मेरे स्कूल में टीचर होती तो कितना अच्छा लगता, लेकिन आप तो घर में रहती हैं। फिर पता नहीं उसे क्या सूझा तो पूछने लगे, मम्मा सब लोग बचपन में सोचते हैं मुझे ये बनना है, मुझे वह बनना है, आपने क्या सोचा था, आपको क्या बनना है? मैं कुछ जवाब दे पाती इससे पहले ही विक्रांत बोल पड़ा, अरे पागल, मम्मा को तो हमारी मम्मी बनना था, फिर वह टीचर कैसे बन सकती थी? लगा जैसे उसके बच्चे भी कहीं ना कहीं शर्म महसूस करते हैं कि उनकी मम्मी सिर्फ घर में हाउसवाइफ बनकर रहती है। दिमाग परेशान हो गया तो मैं अपना मोबाइल लेकर बालकनी में आ गई। सोसा छोटी बहन अंतरा से बात करती हूँ, अब तो वह ऑफिस से आ गई होगी। सॉरी दीदी, थोड़ी देर बाद कॉल करती हूँ, अभी मैं ऑफिस में हूँ। करीब एक डेढ़ घंटे बाद उसका फोन आया। मेरे पूछने पर कि इतनी देर तक ऑफिस में क्या कर रही थी, अब तक तो तुझे घर होना चाहिए था। अरे दीदी, ये नौकरी करना इतना आसान नहीं है, बॉस ने एक अर्जेंट मीटिंग बुला ली थी, जब तक मीटिंग ख़त्म ना हो हम घर कैसे जा सकते, बस अभी रास्ते में हूँ। वैसे सच में आपके मजे, ऑफिस की कोई जिक जिक नहीं, बस घर का काम किया और आराम से घूमो फिरो, टीवी देखो, अपनी मर्जी की मालिक हो, या तो कई बार छुट्टी वाले दिन भी फोन करके बुला लेते हैं। अच्छा, तू भी मुझे सिड़ा रही है, आजकल सबको यही लगता है मैं फालतू हूँ जो घर में बैठी रहती हूँ। काम तो बस वही लोग करते जो बाहर जाते हैं, हाउसवाइफ तो कुछ करती ही नहीं है। अब मुझे भी बाहर निकल कर कुछ करना है, मेरी कई दिनों की खींच जैसे जुबान पर आ गई। मैं आपको सीधा नहीं रही थी दीदी, बल्कि असलियत बता रही थी। हम बाहर जाकर काम करने वाली औरतों की जिंदगी भी आसान नहीं होती, दोहरी जिम्मेदारी निभाते निभाते कई बार दिल दिमाग थक जाता है। खुद बीमार हो या बच्चा बीमार हो, छोड़कर ऑफिस जाना ही पड़ता है। कई बार हम सहकर भी घर और बच्चों को टाइम नहीं दे पाते। मैं ये नहीं कह रही कि हाउसवाइफ बनकर रहना आसान है, हाउसवाइफ का जॉब तो दुनिया का सबसे टफ जॉब है। हमें तो अपने काम की सैलरी मिलती है, उन्हें तो कोई सैलरी भी नहीं मिलती, पर ये तो बहुत अच्छा है दीदी कि आप कुछ करना चाहते हो, पर इसके लिए आपको घर से बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है। आजकल तो घर बैठे ही बहुत से काम हो सकते, आप ऑनलाइन टीचिंग कर सकते हो या कोई काम जिस में आपका इंटरेस्ट हो घर बैठे भी कर सकते हो, साथ साथ घर को भी देख सकते हो। अंतरा से बात करके मन कुछ हल्का हो गया था। सुबह उठी, बच्चों की स्कूल की छुट्टी थी इसलिए हम सब आराम से चाय पी रहे थे। तभी आदित्य जियो ने शायद कल मेरी और अंतरा की बातें सुन ली थी। देखो अनुष्का, तुम जैसी हो हमें बहुत पसंद हो, जितना तुम हमारे लिए करती हो उसकी कोई कीमत नहीं लगाई जा सकती, पर अगर तुम्हारे मन में है कुछ अलग करने का ख्याल, तुम जॉब करना चाहती हो तो जब से कर सकती हो, मेरी तरफ से पूरी तरह हाँ है। मेरी नज़र में हाउसवाइफ होना कोई शर्म की बात नहीं बल्कि ये की बात है, और कोई भी औरत सिर्फ हाउसवाइफ कहाँ होती है, वह तो होम मेकर होती है, उसके कंधों पर ही तो पूरा घर खड़ा होता है। इतने में मम्मी जी भी आदित्य के समर्थन में बोलने
आगे आ गई। ठीक है, अगर बहू नौकरी करने जाएगी तो मैं सब्जी काट दिया करूंगी संदा से, काम भी करवा लूंगी। पापा जी ने भी अपने काम साथ लिए, मैं बाजार का सामान और सब्जी वगैरह ला दिया करूंगी। हाँ, बगीचे में पानी लगाने की जिम्मेदारी भी मैं ले लूंगा। बच्चे कहाँ पीछे रहने वाले थे, हम दोनों अपना होमवर्क कर लिया करेंगे, आपको तंग नहीं करेंगे। और हाँ, हम अपनी अलमारी भी सेट करके रखेंगे, घर में कचरा भी नहीं फैलाएंगे। मुझे तो कोई काम आता नहीं है, लेकिन तुम जो कहोगी वो मैं कर दिया करूँगा। हाँ, तुम्हें रोज ऑफिस छोड़ दिया करूँगा, लौटते में ले भी आऊँगा। आदित्य प्यार से मेरी तरफ देखते हुए बोले, अब सब कुछ आप लोग ही कर लेंगे तो मैं क्या करूँगी। सच में बेकारी कितने दिनों से परेशान थी। मेरे पास इतना प्यार करने वाला परिवार है, आपस में इतनी एकता और एकजुटता है, एक दूसरे का सहयोग करने के लिए सब तैयार बैठे, पर मैं अपने दम पर कुछ करना चाहती हूँ, कुछ ऐसा जिससे लोग मुझे मेरे नाम से जाने। मैं सिर्फ किसी की पत्नी या माता की अपनी पैसा सीमित नहीं रखना चाहती, मैं अपनी एक अलग पहचान बनाना चाहती हूँ। मैं जानती हूँ हमारे पास पैसों की कोई कमी नहीं है, मैं बस अपने आत्म सम्मान के लिए ये करना चाहती हूँ। मैं एक होम मेकर हूँ, ये मेरे लिए गर्व की बात है, पर एक होम मेकर और क्या कर सकती हैं। अब ये दुनिया को दिखाना है, अपने परिवार का साथ पाकर मुझ में एक नई हिम्मत आ गई थी। मैं सच में कुछ करके वैशाली जैसी औरतों को दिखाना चाहती थी कि हाउसवाइफ होना कोई शर्म की बात नहीं है, और अगर उनके परिवार का साथ और समर्थन हो तो फिर वो क्या नहीं कर सकती।